Today is Sunday, April 5th, 2020. Let us have a quick discussion of today's newspaper, The Hindu. आज हम इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं बट बिफोर दैट दीज आर सम एसेंशियल वोकैबुलरी वर्ड्स जो हम आगे न्यूज़पेपर में देखने वाले हैं. सो लेट अस हैव अ लुक ऑन दीज वोकैबुलरी वर्ड्स. पहला, टेक्स स्टॉक. इसका मतलब होता है रिव्यू करना, असेसमेंट करना. देन सेकेंड इज अबाउट ऑन्कोलॉजिस्ट. ऑन्कोलॉजिस्ट का मीनिंग होता है डॉक्टर जो कैंसर या ट्यूमर का ट्रीटमेंट करते हैं. देन थर्ड इज अबाउट क्रिमेशन. इसका मतलब होता है डेड बॉडी को बर्न करना. देन फोर्थ इज अबाउट इम्प्लीकेट. इम्प्लीकेट का मीनिंग होता है इन्वॉल्व इन क्राइम. ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का मीनिंग होता है डॉक्टर आई. आई डॉक्टर को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं. देन स्टार्विंग. स्टार्विंग का मीनिंग होता है डाइंग फ्रॉम हंगर. स्टार्विंग, पीपल आर स्टार्विंग, डाइंग फ्रॉम हंगर. प्राइम्ड. प्राइम्ड मतलब पी का है, प्रिपेयर्ड है, हाई है, दैट इज कॉल्ड प्राइम. प्राइम हो गया है ये. देन आउटब्रेक. आउटब्रेक का मतलब होता है इरप्शन और अपसर्ज. देन मार्टर. मार्टर का मीनिंग होता है सोल्जर्स. जैसे डाई ऑन ड्यूटी, देन दोज आर कॉल्ड मार्टर्स. देन फायर्स. ये फायर्स है. फायर्स का मतलब होता है डिसमिस करना. फायर्स फ्रॉम दिस पोस्ट. रेप्लीकेट. रेप्लीकेट का मीनिंग होता है रिप्रोड्यूस करना. ये वायरस के केस में हम देखेंगे रेप्लीकेट हो रहा है वो. बाउंटी. बाउंटी हम अक्सर यूज करते हैं ये वर्ड. बाउंटी का मीनिंग होता है प्राइज, रिवॉर्ड. ऑयल का प्राइस ड्रॉप हो गया है तो वो एक बाउंटी है. देन क्लस्टर्स. क्लस्टर्स का मीनिंग होता है बंच, गैदर. क्लस्टर्स, दीज आर क्लस्टर्स. पोटेंट. पोटेंट का मतलब होता है ग्रेट या पावरफुल. पोटेंट ड्रग है वो. सो दीज आर सम एसेंशियल वोकैबुलरी वर्ड. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इम्पॉर्टेंट वर्ड फ्रॉम टूडेज न्यूज़ पेपर, डू राइट दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग. ऑल राइट. सो दिस इज दीज आर द न्यूज़ आइटम्स जो हम अभी देखने वाले हैं. पहला, फर्स्ट इज अबाउट 42% ऑफ पेशेंट्स बिटवीन 21 and 40 ईयर्स. ये एक इन्होंने डेमोग्राफिक चार्ट दिया है, डेटा रिलीज किया है कि जो कोविड 19 के केसेस हैं उसमें किस एज ग्रुप के पेशेंट्स हैं. देन सेकेंड इज अबाउट प्राइम मिनिस्टर चेयर्स मीट ऑन कोविड 19 रेडीनेस. इंडिया में अभी भी नंबर ऑफ केसेस राइज हो रहे हैं, सो अभी ये एक चेयर मीट किया है नंबर ऑफ केसेस को देखने के लिए और प्रिपेयर्डनेस कितनी है हमारी. देन दिस इज रेडी फॉर एक्शन. सी, ये जो है ये प्रोटेक्टिव गियर है पुलिसमैन को दिए हैं बिकॉज ये फ्रंटलाइन स्टाफ है और काफ़ी ऐसे केसेस आ रहे हैं कि फ्रंटलाइन स्टाफ है, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं जो आगे चल के लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इन्फेक्ट होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस वायरस. देन फोर्थ इज अबाउट पेंडेमिक ड्रग्स ऑन्कोलॉजिस्ट टू ट्वीक कैंसर ट्रीटमेंट. फिफ्थ है कम्युनिटी किचन फॉर पुअर. सिक्स्थ में हम बात करेंगे भीलवाड़ा का ऑल डाउन्स कर्फ्यू. ये राजस्थान में है. सेवन्थ इज अबाउट ग्राउंडिंग ऑफ प्लेन्स अफेक्ट्स IMD's वेदर डेटा सप्लाई. एट्थ है अ हार्ड समर. दिस इज अबाउट दीज वाटरमेलन. देन नाइन्थ है स्टार्विंग हेरॉन. ये जो बर्ड्स हैं ब्लू हेरॉन, इनके बारे में न्यूज़ है यहाँ पे. देन टेंथ इज अबाउट लाइट्स ऑफ इवेंट विल नॉट हार्म द ग्रिड. ये क्लैरिफिकेशन है. देन इलेवेंथ इज अबाउट 69 एग्जिस्टिंग ड्रग्स टू टारगेट नोवल कोरोना वायरस. देन ट्वेल्थ इज ICMR, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, इशू रूल बुक ऑन लार्ज आउटब्रेक. अगर केस संभला नहीं हमसे, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स आ गए, देन ये एक रूल बुक इसने इशू किया है. देन ये OPEC है, ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और रशिया डिले मीटिंग. अभी भी जो कट करना है प्रोडक्शन का उस पर इनका कंसेंसस नहीं बन रहा है. कोरोना वायरस TCS, अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ड्रग डिस्कवरी. 15th इज अबाउट अपडेट ऑन इंडियाज वॉर अगेंस्ट कोविड 19. ये बहुत बड़ा लड़ाई है जो हमें जीतना है. देन 16th इज नोवल कोरोना वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड इवन बिफोर सिम्टम्स शो अप. 17th इज अबाउट शट डाउन अलोन इज नॉट इनफ टू ब्रेक द चेन, विल नीड टू हैव मोर मेजर्स. देन 18th इज अबाउट हाउ लॉन्ग डज SARS-CoV-2 स्टे पोटेंट, ये पावरफुल कब तक रहेगा. हम इसके म्यूटेशन के बारे में भी पढ़ेंगे. देन 19th इज अबाउट वाई मस्ट कोविड 19 क्लस्टर्स बी आइडेंटिफाइड. एंड 20th है बाउंटी फ्रॉम ऑयल प्लंज. एंड देन 21st इज डिस्पैचेस. सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स एंड सम मोर इन नेक्स्ट 25 to 30 मिनट. सी, we are going to do one more thing. If you post your comment in the comment section below, I would be asking a current affair question to you.
दी आइडिया इज़ टू कवर मोर एंड मोर करंट अफेयर न्यूज़ अपडेट. अगर हम एम सी क्यूज़ को इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे तो ये अननेसेसरी बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो. सो वी वॉन्ट टू कीप दिस वीडियो अराउंड 30-35 मिनट्स मैक्स. देन जो सप्लीमेंट्री एम सी क्यूज़ हैं या एडिशनल इन्फॉर्मेशन है दैट आई वुड ट्राई टू प्रोवाइड यू इन द कमेंट सेक्शन बिलो. इससे और लोगों का भी हेल्प होगा. इफ़ यू पोस्ट अ गुड कमेंट देन अदर्स विल ऑल्सो गेट टू नो, गेट टू लर्न न्यूअर थिंग्स. सो दैट विल बेनिफिट एवरीबडी. लेट अस ट्राई इट फॉर सम टाइम. ओके, सो दिस इज 42% ऑफ पेशेंट्स बिटवीन 21 and 40 years. ये डेमोग्राफी अभी रिलीज किया है यहाँ पे जो वायरस से इन्फेक्शन हुआ है. हेल्थ मिनिस्ट्री की ये रिपोर्ट है थ्रोइंग लाइट ऑन द डेमोग्राफी. डेमोग्राफी मीन्स ज्योग्राफी में हमने एनसीईआरटी बुक में पढ़ा है अभी चैप्टर नंबर 6 क्लास 9th. डेमोग्राफी मीन्स क्या कंपोजिशन है, क्या एज ग्रुप है, क्या उनकी पोजिशन है, लोकेशन एंड ऑल, दीज आर कॉल्ड डेमोग्राफी. सो थ्रोइंग लाइट ऑन द डेमोग्राफी ऑफ द डिसीजेज, ICMR ने एडवाइजरी किया है रैपिड एंटीबॉडी प्रिपेयर करने का और इस पे बेस्ड ब्लड टेस्ट करने का. बिकॉज जो अभी जो स्वाब बेस्ड टेस्ट हो रहा था वो काफ़ी टाइम लगता है और वो एक्सपेंसिव भी होता है. तो अब हम ब्लड बेस्ड दिस रैपिड एंटीबॉडी बेस्ड ब्लड टेस्ट करेंगे. रिपोर्टिंग क्लस्टर्स जो हैं जहाँ बहुत ज़्यादा केसेस आए हैं वहाँ पे होगा, और दिस इज़ रिपोर्टिंग क्लस्टर्स प्लस लार्ज माइग्रेशन जो हुआ है उनको भी हम चेक करेंगे, ताकि हम हर एक जो इन्फेक्टेड पर्सन है पोटेंशियल जो है उसको हम डिटेक्ट करके टेस्ट कर पाए. पहले जो टेस्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं अभी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको हम डिटेल में आगे एक आर्टिकल में देखने वाले हैं. नेसल और थ्रॉट से स्वाब लेते हैं और उसको फिर ये डिटेक्ट करते हैं. सो दिस टेक सम टाइम. एंटीबॉडी जो टेस्ट है वो ब्लड सैंपल्स या एंटीबॉडीज चेक करेंगे और 15-20 मिनट में रिजल्ट आ जाएगा. तो आइडिया इज टेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाने हैं. एनहेंस स्क्रीनिंग एंड आइडेंटिफाइंग कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करना है. मीनवाइल दिस इज द चार्ट. एज ग्रुप में 0 to 20, 21 to 40 और 41-60 ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड है. 60+ में ये पीपल है यहाँ पे. डिफरेंट एज ग्रुप में COVID-19 का ये डेटा कन्फर्म्ड केसेस अभी रिलीज किया है यहाँ पे. देन सेकेंड इज प्राइम मिनिस्टर चेयर्स मीट ऑन COVID-19 रेडीनेस. सी ही टेक्स स्टॉक ऑफ नेशन वाइड फैसिलिटी. 21 डेज लॉकडाउन का हम ऑलमोस्ट हाफ वे पहुँच चुके हैं. सफिशियंट अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल एसेंशियल इक्विपमेंट सच एज पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट. दीज पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट आर नेसेसरी फॉर फ्रंटलाइन स्टाफ. मास्क, ग्लव्स एंड वेंटिलेटर्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड. वेंटिलेटर्स भी हम हर दिन न्यूज़ कवर कर रहे हैं. इतने सारे हमने नए मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर किया है. DRDO एंड ऑल आर ट्राइंग टू प्रिपेयर दीज वेंटिलेटर्स. हॉस्पिटल्स आइसोलेशन क्वारंटाइन फैसिलिटीज सर्वेलांस टेस्टिंग एंड क्रिटिकल केयर ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड. अभी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि स्केल अप करें हम हेल्थ केयर को. हेल्थ केयर मतलब जो हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं, हॉस्पिटल स्टाफ्स मेडिसिन एंड ऑल, इसको हम स्केल अप करें. पुट द इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक बिकॉज इकोनॉमी को भी वापस हमें रिवाइव करना पड़ेगा आफ्टर दिस 21 डेज. सो दिस इज द इक्विपमेंट. पर्सनल प्रोटेक्टेशन गेयर है ये. सी इन्होंने ये पहना हुआ है ना, दीज आर पर्सनल प्रोटेक्शन गेयर. तो इससे ये जो फ्रंटलाइन स्टाफ है ये भी अपना हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. देन दिस इज द फोर्थ वन. पेंडेमिक ड्राइव्स ऑन्कोलॉजिस्ट. ऑन्कोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो कैंसर ट्यूमर इनके डॉक्टर्स होते हैं. ऑन्कोलॉजिस्ट टू ट्वीक कैंसर ट्रीटमेंट. सी जब कैंसर मतलब क्या होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स को हम कैंसर बोलते हैं. तो कैंसर जब होता है तो उन पेशेंट्स को ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन दी जाती है उसमें एक वे ये होता है कि उनका इम्यूनिटी जो होता है उसके सप्रेसेंट दिए जाते हैं. अगर इम्यूनिटी का सप्रेसेंट आपको मिल गया मतलब इम्यूनिटी आपकी लो है. अगर इम्यूनिटी आपकी लो है तो कोरोना वायरस आपको बहुत ईजिली अटैक कर देगा. तो अभी ये चैलेंज आ रहा है इन्हें कि कैंसर के बजाय पहली प्रायोरिटी है हमें कि इस कोरोना वायरस से जो अटैक है उससे हम बचें. तो दैट इज़ वाई ये एक मिडिल वे फाइंड कर रहे हैं. ये थोड़ा सप्रेसेंट दे रहे हैं जो दिया जा रहा था कैंसर पेशेंट को, उसको थोड़ा ट्वीक कर रहे हैं ट्रीटमेंट को. स्विचिंग पेशेंट्स टू लेस एग्रेसिव थेरेपी. ट्रीटमेंट में हायर रिस्क ऑफ एक्सपोजर होता है. लेस एग्रेसिव अप्रोच से जो जितने इवन जो ट्रीटमेंट हैं ऑपरेशंस हैं वो भी पोस्टपोन किए जा रहे हैं. सर्जरी पोस्टपोन की जा रही है. कीमोथेरेपी जो होती है ये इम्यूनिटी को सप्रेस करती है. तो दैट इज़ वाई कीमोथेरेपी भी थोड़ा माइल्ड किया जा रहा है अभी. देन दिस इज़ कम्युनिटी किचन फॉर पुअर. कम्युनिटी किचन क्या होता है, कम्युनिटी का किचन है. हर कोई आके वहाँ पे खाना खा सकता है और ये बहुत एसेंशियल है ताकि कोई भी डेथ ड्यू टू स्टार्वेशन नहीं हो, एस्पेशली ये जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं इनकी. तो फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहे हैं एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी नोबल अप्रोच. देन दिस इज़ भीलवाड़ा ऑल डाउन कर्फ्यू. सी राजस्थान में भीलवाड़ा एक
हॉटस्पॉट बन गया था। हमने हॉटस्पॉट का मीनिंग देखा था ना कल, यहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही थी कोविड-19 की, तो इसको कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया। यहाँ के लोगों ने इसको डिसिप्लिन फॉलो भी किया, एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट किया, एंड सी ओनली वन पॉजिटिव केस इन 4 डेज, मतलब काफ़ी हद तक ये सक्सेसफुल रहे हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। सो दिस इज़ वॉट वी नीड टू बी डिसिप्लिन एंड कोऑपरेट विद दी एडमिनिस्ट्रेशन। सो प्लाइट ऑफ, सो इधर ये लिखा है कंटेनमेंट एफर्ट पे ऑफ, वॉर फुटिंग पे उन्होंने एफर्ट्स किए, डिटरमाइंड है टू स्नैप द चेन ऑफ कोविड-19, स्नैप द चेन मतलब तोड़ना चेन ऑफ कोविड-19, टेस्टिंग इन्होंने किया काफ़ी डिटेल में और क्वारंटाइन आइसोलेशन को फॉलो किया, सोशल डिस्टेंसिंग। नाउ दिस इज द सेवंथ वन है ग्राउंडिंग ऑफ प्लेन्स अफेक्ट्स IMD's वेदर डेटा सप्लाई। सी ये जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं ना, ये ट्रैवल करते हैं तो ये डेटा भी कलेक्ट करते हुए जाते हैं, और ये डेटा ये सप्लाई करते हैं IMD को। IMD इस पूरे एविएशन, एटमॉस्फेयर, वेदर सारा डेटा लेता है, सुपर कंप्यूटर्स यूज़ करता है, और उस कैलकुलेशन से ये करता है वेदर फॉरकास्ट। सो अब अगर ये प्लेन डाउन हो गए, मतलब IMD को डेटा मिलना बंद हो गया है, सो दैट इज़ वाई फोरकास्टिंग में डिफ़िकल्टी आ रही है। इनपुट डेटा सेंड बाय एयरक्राफ्ट प्रिडिक्शन, तो ये की सोर्स होता है IMD के फोरकास्ट का। एनुअल मॉनसून फोरकास्ट ऑन ट्रैक है फिलहाल। डेटा जो होता है ये डायनामिक मॉडल्स में फीड किया जाता है कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स, और ये फिर वेदर फोरकास्ट देते हैं। बट जो हम पिछले कुछ टाइम से डायनामिक मॉडल में स्विच हुए हैं, ये इतना ज़्यादा एडेप्ट नहीं है, तो हम रेगुलर क्लासिकल ट्रेडिशनल सिस्टम को भी, हमने अभी उस पर भी रिलाय करते हैं अपन। सो ड्रॉट्स, एक्सट्रीम वेदर चेंजेस, लिमिटेड डेटा, शॉर्टेज ऑफ मैन पावर इज अगेन वन थिंग, ग्राउंड पे पीपल है नहीं, तो अगेन डेटा आना कम हो गया है इनके पास, डेटा का आना कम हो गया है, तो इनका प्रिडिक्शन जो होता है स्टैटिस्टिक्स वो भी कम हो रहा है। सो दिस इज़ व्हाट दे हैव हाईलाइटेड ओवर हियर। देन दिस इज़ पेज नंबर 2, अगेन दिल्ली का ये ठीक ही है अभी भी एयर क्वालिटी। देन दिस इज़ पेज नंबर 3 एंड दिस इज़ पेज नंबर 3, अक्यूट लेबर क्रंच, मतलब बहुत ज़्यादा जो लेबर का अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है। वाई? बिकॉज माइग्रेंट लेबर सब अपने घर चले गए हैं, तो लेबर क्रंच हो रहा है अलग अलग जगह में। इवन अभी जो है वो है हार्वेस्ट सीजन, फसल की कटाई चल रही है अभी, तो कटाई में भी आपको लेबर की ज़रूरत पड़ती है, उसको पैक करके मंडी में आपको सेंड करना है, तो वहाँ लेबर का अभी क्रंच हो रहा है यहाँ पे। देन दिस इज़ पेज नंबर 5, लुक एट दिस पिक्चर, अ हार्ड समर। हमने क्रॉप्स देखी थी ना, क्रॉप्स होती थी राबी, देन जायद, देन खरीफ, ये सीजनल अलग अलग सीजन है। जायद जो होती है वो राबी और खरीफ के बीच की क्रॉप होती है, जैसे वाटरमेलन एट्सेट्रा। तो यहाँ भी क्या प्रॉब्लम आ रही है, कोविड-19 के कारण लॉकडाउन है, फार्मर्स आर अनेबल टू गेट प्रॉपर प्राइस ऑफ देयर प्रोड्यूस इन हैदराबाद, उनको मार्केट नहीं मिल पा रहा है अपनी फसल को सेल करने के लिए। देन दिस इज़ पेज नंबर 6, वायरस टेस्टिंग एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। सी आप इसमें वेबसाइट्स में देखो जो ट्रैक कर रही है लाइव ट्रैकिंग, सबसे ज़्यादा USA के केसेस इसलिए आए हैं बिकॉज USA ने टेस्ट किए हैं, बाकी कंट्रीज़ ने इतने टेस्ट ही नहीं किए हैं। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो टेस्ट ही नहीं हुए हैं, टेस्ट ही नहीं हुए मतलब वो काउंट में इंक्लूडेड ही नहीं है। दैट डजेंट मीन कि बाकी जगह वायरस नहीं है, वायरस है बट वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। सो UP गवर्नमेंट टू एक्सपैंड वायरस टेस्टिंग, टेस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट। नाउ दिस इज लाइट्स ऑफ इवेंट विल नॉट हार्म ग्रिड, ये गवर्नमेंट ने अगेन क्लैरिफिकेशन दिया है। बट बिफोर दैट देर इज़ अ न्यूज़ ऑफ दिस स्टार्विंग हेरॉन्स, ये हेरॉन्स होते हैं ब्लू हेरॉन्स, ये कहाँ पर है, कोस्टल लोकेशन में मिलते हैं, केरला में। इनको ये डिपेंडेंट होते हैं, ह्यूमंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, इनको फ़िश चाहिए, फ़िश मिल नहीं रही है, बाइंग फ़िश टू फीड द बर्ड्स दैट लिव अलोंग द कोस्ट, तो ऑफिशियल्स इनको फ़िश खरीद करके ऐसे खिला रहे हैं ताकि इनका स्टार्वेशन डेथ नहीं हो। एवियन रिच साइट्स हैं, यहाँ पे स्टॉक्स मिलते हैं, स्टॉक्स दीज आर एग्रेट्स, दीज आर कॉमोरेंट्स एंड दीज आर हेरॉन, ये सारे बर्ड्स हैं ऐसे यहाँ पे। ये फ़िशिंग रिस्ट्रिक्शन हो गया है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बैन है ऑन ऑक्शंस एट हार्बर, तो बर्ड्स फैमिश्ड हो रही है, फैमिश्ड का मतलब क्या होता है, भूखे मर रही है, बर्ड्स आर फैमिश्ड। देन कोस्टल इकोसिस्टम, ब्लू हेरॉन के सर्वाइवल टोटली डिपेंड करता है इस कोस्टल इकोसिस्टम पे। सी शोर ईटिंग ऑन डिस्कार्ड्स फ्रॉम बोट्स, सो दैट इज़ वाई अगेन आप देखोगे बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स हैं, एनिमल्स हैं, दे आर अगेन स्टार्विंग। सो इफ़ यू सी एनी दिस स्ट्रे डॉग्स और स्ट्रे वाइल्ड एंड स्ट्रे काउज एंड ऑल एनिमल्स, यू कैन ऑफर सम हेल्प।
Then this is page number 6. This is virus testing we have seen. Then this is lights off event will not harm the grid. ये मिनिस्ट्री ने clarify किया है कि हम जो 9 मिनट अभी स्विच ऑफ करेंगे आज रात में उससे कोई नुकसान नहीं होगा. Arrangements in place to handle variation in demand. ये pre-planned activity है तो proper arrangement कर लिए गए हैं. Only residential lights off करनी है, again switch off करनी है और lights off करनी है. Residential lights, lights means lights ऑफ करनी है, ये नहीं कि आप दूसरे जो गैजेट्स हैं आपके रेफ्रिजरेटर एसी एंड ऑल उसको ऑफ नहीं करना है, केवल लाइट्स ऑफ करनी है और वो भी रेसिडेंशियल एरिया की. स्ट्रीट लाइट्स एंड फैक्ट्रीज एंड ऑल दे वुड बी रनिंग. देन ग्रिड लोड जो मैनेज होता है वो मैनेज करता है पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन, नो द नेम ऑफ दिस बॉडी. ये मैनेज करता है ग्रिड लोड को. ग्रिड लोड में भी जो गैस और हाइड्रो होते हैं इनको फेज्ड रिडक्शन किया जाएगा 6 to 8 PM में और 9:10 पे फिर से रैंप अप कर लिया जाएगा. तो पावर मैनेजर्स आर प्राइम फॉर अ डिप एंड सर्ज. डिप आएगा फिर सर्ज आएगा, तो दे आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस. देन अगेन 69 existing drugs to target novel coronavirus, यहाँ पे लिखा है 69 existing drugs, मतलब ये drugs पहले से हैं, कोई नई drug नहीं है. इनकी help से हम novel coronavirus को try करेंगे. कल हमने देखा था ना जो टीबी का जो वैक्सीनेशन जो होता है उससे कुछ पेशेंट्स को हेल्प मिला है, इम्यूनिटी इंक्रीज हो गई है टू फाइट विद दिस कोरोना वायरस. सो 100 साइंटिस्ट वर्ल्ड वाइड कोलैबोरेट कर रहे हैं कि ये जो ड्रग्स हैं, एग्जिस्टिंग ड्रग्स हैं, से एग्जिस्टिंग ड्रग्स इनकी पार्किंसन, निप्पा, क्लोरोक्विन एंड दिस मेटफॉर्मिन, ये फैमिलियर नेम है, ये हमें हेल्प कर सकते हैं इन फाइटिंग दिस कोरोना वायरस. तो इस पर अभी वो रिसर्च कर रहे हैं. कोरोना वायरस जो होता है ना इसमें ऐसे स्पाइक्स होते हैं, स्पाइक्स होते हैं, ये स्पाइक्स होते हैं ये अटैच करते हैं ह्यूमन प्रोटीन पे और वायरस ऐसे करके सेल के अंदर चला जाता है और एक बार सेल के अंदर जाता है तो वो उसको हाईजैक कर लेता है और रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है. मॉलिक्यूलर मशीनरी यूज़ करता है वो सेल का, बिकॉज वायरस इज़ बोथ डेड एंड लिविंग, तो ये रेप्लिकेट करेगा. तो आइडिया जो है इन मेडिसिन का वो ये है कि इनहिबिट करो मॉलिक्यूलर मशीनरी को ताकि वायरस को प्लेटफॉर्म नहीं मिले रेप्लिकेट करने का. तो दीज आर सम मेडिसिन जो फैमिलियर नेम सभी सामने आए हैं. देन दिस इज ICMR इशूज रूल्स बुक ऑन लार्ज आउटब्रेक. सी USA में आउटब्रेक है, इटली में आउटब्रेक है, देन स्पेन में आउटब्रेक है, जर्मनी, इवन UK. सो वी कैन नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी कि इंडिया में भी लार्ज आउटब्रेक आए, लार्ज नंबर अभी राइज हो. सो दैट इज़ वाई ये गाइडलाइंस इशू हुई है रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट का भी और लार्ज आउटब्रेक में आपको कैसे कोप अप करना है. देन दिस इज़ फेस मास्क अमेरिका में मैंडेटरी कर दिया है. अर्लियर डेज अमेरिकन वर वेरी लीनियंट, दे वर नॉट टेकिंग इट सीरियसली. नाउ सी द नंबर, कितने नंबर ऑफ कैजुअलिटीज हो रही है एवरी डे इन अमेरिका. देन दिस इज़ चाइना पॉज इन मेमोरी ऑफ वायरस विक्टिम्स एंड मार्टर्स. देन दिस इज़ बिडेन, ये प्राइमरीज अभी भी चल रही हैं, डेमोक्रेट के हैं दीज बिडेन. देन ओपेक रशिया डिले मीटिंग. सी यहाँ क्या स्टोरी है कि वर्ल्ड COVID-19 और लॉकडाउन के कारण फ्यूल का जो डिमांड है वो कम हो गया है, बट सप्लाई ये कम करना नहीं चाह रहे हैं, इसको हम आगे एक आर्टिकल में डिटेल में देखते हैं. तो इसी में ओपेक और रशिया ने मीटिंग किया है कि लेट्स कट द सप्लाई, अदरवाइज फ्यूल जो है वो $26 बैरल तक आ गया था ब्रेंट क्रूड ऑयल पर बैरल. सऊदी अरेबिया रशिया स्पार ओवर प्लंजिंग प्राइस ऑफ ऑयल. आउटपुट कट करना है 10% ऑफ वर्ल्ड सप्लाई का. March 30 में यह 18 साल के लो तक पहुंच गया था. लॉकडाउन ड्यू टू COVID-19 ने नो आउटपुट कर्ब इज द रीजन. तो अभी इनका एक ये भी स्ट्रेटजी है कि कैप्चर कर लें हम मार्केट शेयर को. देन दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन, ये आज द हिंदू में आता है, द संडे में. कोरोना वायरस TCS यूज AI फॉर ड्रग डिस्कवरी. TCS क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज. इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रही है टू फाइंड द मेडिसिन इन डिस्कवरी ऑफ दिस COVID-19 और इसको आइडेंटिफाई करने का भी कोशिश कर रहा है. तो रिसर्चर्स ने अभी आइडेंटिफाई किया 31 कैंडिडेट मॉलिक्यूल्स टू टारगेट द मेन प्रोटीज रेप्लिकेट वायरस का स्टॉप करना है हमें. आइडिया ये है, अभी देखा था ना स्पाइक्स थे वो सेल में अंदर गया और रिप्लिकेट होने लग गया, तो हम इस मॉलिक्यूलर एक्टिविटी को और इस मेन प्रोटीज को स्टॉप करना चाहते हैं. इनहिबिटर, इनहिबिटर मतलब सप्रेस करना, स्टॉप करना. दिस इज द नेम काइमोट्रिप्सिन लाइक प्रोटीज. स्टॉप एंट्री ऑफ द वायरस, ये जो वायरस है ना ये इसके स्पाइक्स हैं, दीज आर स्पाइक्स, इसका एंट्री बंद करना है होस्ट सेल में. रेप्लिकेशन असेंबली होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन को स्टॉप करने का प्लान है. जो ड्रग का प्रोटीन होता है मेडिसिन का, ये टारगेट करेगा इन स्पाइक प्रोटीन्स को और होस्ट सेल को अंदर से एंटर करने से रोकेगा, बिकॉज वायरस इसी को अटैच करते हैं होस्ट सेल में और सेल्स के अंदर घुस जाते हैं, तो हम इसको स्टॉप कर देंगे. प्रोटीज प्रोटीन कट
पॉलीप्रोटीन ये इंडिविजुअल प्रोटीन अलग अलग बनाता है और रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है. सो आइडिया इज़ टू स्टॉप दिस. न्यू वायरसेस कैन बी असेंबल्ड, हमें इसे स्टॉप करना है. नाउ रेप्लिकेशन एंड सर्वाइवल ऑफ वायरस के लिए ये असेंशियल होता है. अगर हम प्रोटीज प्रोटीन को स्टॉप कर देंगे इसकी एक्टिविटी, तो ये वायरस का रेप्लिकेशन भी स्टॉप हो जाएगा. दिस इज़ द आइडिया. तो इसमें भी अगेन दीज आर सम आइडियाज़, इसमें अभी फर्दर एक्सप्लेनेशन फर्दर क्लैरिफिकेशन फॉलो होना चाहिए और आएगा भी. अपडेट ऑन इंडियाज़ वॉर अगेंस्ट COVID-19. अगेन इसमें बताया इंडिया का क्या मेनली जो हमारा टारगेटेड एरिया है वो है डिटेक्शन करना, प्रोटेक्शन करना, प्रिवेंशन करना, प्रिस्क्रिप्शन एंड नॉट द लीस्ट पार्टिसिपेशन. सो कैन इंडिया ऑफर्स ड्रग, दे आस्क अ क्वेश्चन कि हम ड्रग्स ले लें जैसे प्रिवेंटिव ड्रग्स होती हैं, तो वो हम वैक्सीनेशन आएगा बट दैट वुड टेक सम टाइम और हमारे पास इतना टाइम नहीं है. सो द बेस्ट थिंग दैट वी हैव टूडे इज सोशल डिस्टेंसिंग एंड डिसिप्लिन हेल्दी प्रैक्टिसेस. देन दिस इज नोवल कोरोना वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड इवन बिफोर सिम्टम्स शो अप. मतलब आपको पता भी नहीं है कि आपको COVID-19 है और आप उसको आगे जाके कैरियर बन के ट्रांसमिट कर रहे हो. इसमें 14 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है. तो प्री सिम्टमेटिक और असिम्टमेटिक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज पता ही नहीं चल रहा है कि आपको COVID-19 है या नहीं है. सो दैट इज़ वाई टेस्टिंग इज़ सो इम्पॉर्टेंट, ट्रांसमिशन, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. देन शटडाउन अलोन इज़ नॉट इनफ टू ब्रेक द चेन. सी हम इसको थोड़ा रश यहाँ पे इसलिए भी कर रहे हैं बिकॉज COVID-19 की ये बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, एजम्पशंस हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं. ऑलराइट, जब कोई कॉन्क्रीट चीज़ आती है तो वी गेट स्लो डाउन और उसको हम डिटेल में देखते हैं. दीज आर फाइंडिंग्स एंड डिफरेंट ओपिनियंस हैं, तो वी कैन रश अ लिटिल बिट ओवर हियर. शटडाउन अलोन इज़ नॉट इनफ टू ब्रेक द चेन. सी अभी 21 दिन का एक टारगेट ये था कि हम अपनी कैपेसिटी को डेवलप कर लें, बाइंग टाइम बाय कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं प्रेशर ऑन हेल्थ सिस्टम. प्रिसाइज और टारगेटेड मेजर ताकि हम ले पाएँ, असेस कर पाएँ कि सिचुएशन क्या हो रही है, टेस्ट करें, आइसोलेट करें, वैक्सीन और एंटीवायरल को हम बाद में इम्प्लीमेंट करें. नाउ दिस इज़ हाउ लॉन्ग डज SARS-CoV-2 स्टे पोटेंट, मतलब खतरनाक कब तक रहेगा, स्ट्रॉन्ग कब तक रहेगा. वो नेसेंट वायरस है, दैट इज़ वाई इसे हमने नोवल भी बोला था, नोवल कोरोना वायरस. ये नाम है वायरस का SARS-CoV-2, और डिसीज़ का नाम क्या है, डिसीज़ का नाम है कोरोना वायरस डिसीज़ 19, बिकॉज 2019 में आई थी. तो ये कोरोना वायरस फैमिली है जिसमें SARS, MERS और कौन से थे, दिस COVID-19, ये सारे कोरोना वायरस फैमिली के, और ये सारे चीज़ें करती हैं रेस्पिरेटरी, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है इन डिसीजेस से. तो साइंटिस्ट ट्राइंग टू फैथम द नेचर ऑफ द वायरस बिहेवियर एंड पैटर्न. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ये अटैक करता है, तो दैट इज़ वाई हम इतने ज़्यादा वेंटिलेटर्स ऑर्डर कर रहे हैं. और हाइजीन क्या कर रहा है कि आपको अपना हाथ चेहरे पे नहीं लगाना है, हाथ को क्लीन रखना है. वायबिलिटी जो होती है इस वायरस की, एक्टिव होता है घंटों से लेके दिनों तक, ये एक्टिवेट हो सकता है, एक्टिव रह सकता है किसी सरफेस में. एंड इट नीड्स अ होस्ट टू मल्टीप्लाई बिकॉज दिस इज़ अ वायरस. एंड डिसइंफेक्ट करना ज़रूरी है सरफेस को. प्रैक्टिस सैनिटाइजर्स, क्लीन योर हैंड्स, सोशल आइसोलेशन एंड टेस्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. अगेन ये कुछ डेटा है. एरोसोल मतलब हवा में ये इतना टाइम लगता है, प्लास्टिक में, स्टेनलेस स्टील, कॉपर और कार्डबोर्ड में. ये इसकी पोटेंसी हेल्थ यहाँ पे एक मेजर दिया है. देन दिस इज़ वाई मस्ट COVID-19 क्लस्टर्स बी आइडेंटिफाइड. क्लस्टर्स क्या होते हैं, वो एरिया होते हैं जहाँ पर बहुत इंटेंस एक्टिविटी हो रही है इस वायरस की. तो एरिया कॉर्डोन्ड है, ऐसे कॉर्डन कर रखा है वहाँ पे, हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किया है, डिसीज क्लस्टर्स हैं ये, मतलब एन एग्रीगेशन ऑफ केसेस इन एन आइडेंटिफाइड सब पॉपुलेशन. ये एक पॉपुलेशन है, यहाँ बहुत फैल गया, तो दिस इज़ द क्लस्टर ऑफ दिस वायरस. सो क्लस्टर्स का आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है. एक्टिविटी ट्रेल फॉलो करना चाहिए. कॉमन पैटर्न डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, अगेन कोई सेट पैटर्न नहीं है, हर जगह एक अलग पैटर्न आइडेंटिफाई हुआ है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, से इन यूरोप और अमेरिका और देन इंडिया एशिया. नाउ ये आर्टिकल में डिटेल में लिखा है कि बाउंटी फ्रॉम ऑयल प्लंज, दिस इज नॉट आर, दिस इज बाउंटी फ्रॉम ऑयल प्लंज. ओके, यहाँ पे ये बात है कि ग्लोबल क्रूड प्राइसेस जो है, ब्रेंट क्रूड ऑयल, वो काफ़ी कम हो गई है, $26 तक आ गया था. अभी ब्रेंट क्रूड ऑयल 18 साल के सबसे कम पे है. प्रोडक्शन कट अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिकॉज हमने पढ़ा था ना, डिमांड और सप्लाई, डिमांड कम हो रही है तो सप्लाई भी कम करना पड़ेगा वरना प्राइसेस क्रैश हो जाती है. तो अब ये सप्लाई कम करने पे लगे हैं कि हम प्रोडक्शन को कट कर देते हैं. डिमांड लो है, प्राइस फॉल हो गई, प्रोडक्शन कट से प्राइस राइज हो सकती है. US, रशिया, सऊदी, ये तीन प्लेयर इसमें इंपॉर्टेंट है.
ये आपस में मिलके ट्राई कर रहे हैं कि हम कैसे कंसेंसस बनाएं और ऑयल को कैसे कम करें। नाउ ऑयल जो है ना, ये प्लेंटी है, अभी काफ़ी मात्रा में ऑयल है। इसका जो एक्सट्रैक्शन होता है वो डिफ़िकल्ट होता है, मतलब अर्थ के अंदर काफ़ी मात्रा में ऑयल प्रेजेंट है, बट आप इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे, दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का कॉस्ट बहुत हाई होता है, तो सेल जो होता है, सेल हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस से हाई पे होता है। सो यूएस में भी काफ़ी ज़्यादा ऑयल है, शेल गैस भी है वहाँ पे। इसकी एक टेक्निक होती है फ्रैकिंग, ऐसे नीचे वाटर भेजते हैं, फिर क्रैक लगाते हैं, फिर ये करके ऊपर आ जाता है, दिस इज़ फ्रैकिंग। एक्सट्रैक्शन जो होता है वो काफ़ी महंगा होता है फ्रैकिंग टेक्निक से। सो दैट इज़ वाई जो यूएस है उसको फ़ायदा कब होगा, जब एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा ऑयल की प्राइस रहेगी, से $50 से ऊपर रहेगी तो यूएस को फ़ायदा होगा, अगर $26 हो गई तो यूएस बहुत ज़्यादा लॉस में आ जाता है। तो ये बिकॉज उसका एक्सट्रैक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ऑयल निकालने का कॉस्टली प्रोसेस है, बेनिफिट सस्टेनेबल नहीं हो पाते हैं। तो यूएस ऑलवेज वॉन्ट कि प्राइस एक थ्रेशोल्ड $50 से ज़्यादा हो, बिकॉज उसकी इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जबकि जो सऊदी है ये बहुत सस्ता ऑयल प्रोड्यूस कर सकता है। तो अगर $26 पे भी आ गया प्राइस इसका, तो सऊदी को इतना लॉस नहीं होगा, दे कैन मैनेज बिकॉज इनका इनपुट कॉस्ट इज लेस, बट यूएस का इनपुट कॉस्ट इज हाई। तो अगर ज़्यादा टाइम तक $26 पे बना रहा तो सऊदी तो फिर भी सर्वाइव करेगा, बट यूएसए एलिमिनेट हो जाएगा मार्केट से। एंड दिस इज ऑल अबाउट एलिमिनेशन ऑफ योर कॉम्पिटिटर। अक्सर कंपनीज ऐसा करती है, उनको दिखता है ये एक पोटेंशियल हमारा हो सकता है, कॉम्पिटिटर हो सकता है, वो कंपनी उसको एलिमिनेट करने का स्टार्ट कर देती है कि वो मार्केट में सस्टेन ही नहीं कर पाए, एलिमिनेट हो जाए, देन वो एलिमिनेट हो जाएगा, देन अगेन ये प्राइस राइज करेंगे और फिर इनका मोनोपोली मार्केट कैप्चर दे कैन डू, दे कॉल दिस टर्म मार्केट कैप्चर। सो सऊदी एंड ऑल दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट दिस प्रॉफिट और लॉस, वॉट दे वॉन्ट इज कैप्चर द मार्केट, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर करो इवन एट लॉस। सो दैट इज़ वाई वो अपना प्राइस कम नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्रूड ऑयल प्राइस हाई है, सऊदी चीपर प्रोडक्शन के लिए कैपेबल है, लोअर प्राइस रहेगी तो इससे क्या होगा, कॉम्पिटिशन यूएस एलिमिनेट हो जाएगा। COVID-19 से लॉकडाउन है और डिमांड भी कम है। अब इसमें इंडिया का क्या रोल है, सी इंडिया तो इंपोर्ट करता है ऑयल बहुत ज़्यादा, क्रूड ऑयल, तो अगर क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है तो हमारे लिए तो अच्छा है, बिकॉज इससे हमारा फिस्कल डेफिसिट को हेल्प मिलती है, हमारा जो इम्पोर्ट का बिल होता है वो कम होता है, हमारी इकोनॉमी को हेल्प मिलती है, तो वी आर वेरी हैप्पी कि प्राइस कम हो गई है, वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी। बट गवर्नमेंट इसको पास ऑन नहीं कर रही है, किस पे, एंड कंज्यूमर में। वाई, बिकॉज गवर्नमेंट सोच रही है ये जो पीरियड मिला है इतना, इससे अपना जो बैंक खाली है उसको हम रिफिल कर लेते हैं, क्योंकि ये जो ऑयल है ये बहुत इजी मनी रहता है गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू का। तो एक्साइज ड्यूटी भी दैट इज़ वाई गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है, तो यहाँ से प्राइस जो कम हुई, क्रूड ऑयल की प्राइस ड्रॉप होने के कारण ये प्राइस कम हुई, वो कंपनसेट हो गई आपने एक्साइज ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया। सो दैट इज़ वाई जो एंड यूज़र है उसको कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, मोर देन डबल हो गई है इन लास्ट 10 से कुछ 23 रुपये कर दिया है यहाँ पे, 23 रुपये कर दिया है यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी, मोर देन डबल्ड। गवर्नमेंट नीड मनी, गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है, फिस्कल डेफिसिट की ऑलरेडी प्रॉब्लम है, फिस्कल डेफिसिट हमें पता है खर्चा और आमदनी का जो डिफरेंस होता है, दैट इज़ फिस्कल डेफिसिट। GST अगेन, हम काफ़ी होपफुल थे कि जो GST है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बट उसके डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं आए, नॉट यील्डिंग रॉबस्ट कलेक्शन। अभी कल पेपर में देखा था 1 लाख करोड़ से ये डिप हो गया है इसका मंथली कलेक्शन। तो गवर्नमेंट सोच रही है यहाँ से इजी मनी आता है तो हम इस पर अभी प्राइस कम नहीं करते, इनफैक्ट उन्होंने एक्साइज ड्यूटी डबल कर दिया, इम्प्रूव करना चाहती है वो अपनी फिजिकल हेल्थ को। सो दिस इज़ अबाउट दिस बाउंटी फ्रॉम ऑयल प्लंज। तो गवर्नमेंट को एक लॉटरी लग गई है, प्राइज़ मिल गया है दिस ऑयल के प्लंज होने से, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के होने से। नाउ दिस इज़ डिस्पैचेस, ये जो सेक्शन है द हिंदू का, इसमें क्या होता है, एक फॉरेन कंट्री का एक न्यूज़ आइटम लेते हैं और फॉरेन जो एडिटोरियल है इनके टीम है वो वहाँ पे एक टॉपिक पिक करते हैं और उसका कमेंट्री देते हैं। जो फर्स्ट है दैट इज़ अबाउट जापान, जापान में भी सी चाइना से प्रॉक्सिमिटी था बट जापान में नंबर ऑफ केसेस आर वेरी लो। इसका रीज़न ये बता रहे हैं कि जापान आर वेरी डिसिप्लिन, सोशल डिस्टेंसिंग वो रखते हैं, मास्क वो हमेशा पहन के रखते हैं, क्लीनलीनेस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, हाइजीन कॉमन सेंस भी अच्छा है जापान का। सो दैट इज़ वाई वहाँ पे पैंडेमिक को इन्होंने विदस्टैंड कर लिया है, नेशन बिल्ट टू विदस्टैंड पैंडेमिक। अगर अपन ज्योग्राफी देखें ना जापान की, तो इट इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट प्लेस टू लिव। ये पूरा जो आर्किपेला जो फेस्टून है, ये पूरे जापान के आइलैंड्स हैं, होकाइडो, होनशु, शिकोकू, यहाँ बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक आता है बिकॉज ये रिम ऑफ फायर में यहाँ पे है, काफ़ी ज़्यादा प्लेट एक्टिविटी है, तो डिज़ास्टर्स बहुत ज़्यादा आते हैं जापान में। तो उन्होंने इतने डिज़ास्टर्स देख लिए हैं कि दे आर लाइक दे कैन विदस्टैंड दिस पेंडेमिक, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। देन दिस इज़ क्यूबा, क्यूबा यू नो दिस इज़ यूएसए और यहाँ पे इधर नीचे क्यूबा है।
क्यूबा सोशलिस्ट कंट्री रहा है. फ्रॉम क्यूबा विद केयर, क्यूबा के डॉक्टर्स काफ़ी फेमस हैं. अभी ऑल ओवर वर्ल्ड ये डॉक्टर्स जाके अपनी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं. तो फ्रॉम क्यूबा विद केयर. देन अनसर्टेनिटी ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम, ये अगेन श्रीलंका है. श्रीलंका काफ़ी हिट हुआ है इस वायरस से बिकॉज श्रीलंका की इकोनॉमी है वो टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है और इस वायरस के कारण टूरिस्ट एक्टिविटी एकदम स्टॉप हो गई है. सो अगेन डिफिकल्ट टाइम्स ड्यूरिंग द दिस ऑनस्लॉट ऑफ वायरस. पाकिस्तान फाइट्स अगेंस्ट कोरोना वायरस. सी पाकिस्तान भी अगेन इंडिया की तरह वहाँ पे मेडिकल जो है वो काफ़ी फ्रेजाइल है. दे आर नॉट वेरी वेल, ज़्यादा डॉक्टर्स, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है. तो पाकिस्तान फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस, इसमें एक कमेंट्री है कि आउटब्रेक के लिए ये कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं. देन दिस इज 13th स्पोर्ट्स, फीफा पुट्स ऑफ वुमेन्स अंडर 17 वर्ल्ड कप. एंड दिस इज ओके, सो दिस इज़ द स्पोर्ट्स सेक्शन. तो आज हमने देखा ये डिस्पैचेस में जापान, देन क्यूबा, देन श्रीलंका एंड देन दिस इज पाकिस्तान. देन हमने देखा कि ये जो क्रूड ऑयल का प्लंज हुआ है इससे कंट्री को बाउंटी, गवर्नमेंट को बाउंटी प्राइज मिल गया है, जैकपॉट मिल गया है. वाई मस्ट कोविड 19 क्लस्टर्स भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है. इफ़ यू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम. देन दिस इज ऑन द सर्फेस, दिस इज कोरोना वायरस फैमिली, हाउ लॉन्ग डज सार्स कोव टू स्टे पोटेंट. देन शटडाउन से ही काम नहीं चलेगा, हमें और भी काम करने पड़ेंगे टू ब्रेक द चेन. नोवल कोरोना वायरस, इसके सिम्टम्स काफ़ी टाइम तक शो होते हैं, प्री सिम्टमेटिक और असिम्टमेटिक. देन इंडियाज़ वॉर अगेंस्ट कोविड 19, सोशल आइसोलेशन इज मस्ट. देन TCS AI फॉर ड्रग डिस्कवरी, दिस इज ओपेक रशिया डिलेज मीटिंग. लार्ज आउटब्रेक के लिए हमें प्रिपेयर होना चाहिए. देन दिस इज एग्जिस्टिंग ड्रग्स जैसे इनकी है पार्किंसन, निपा, क्लोरोक्वीन, मेटफॉर्मिन, ये हमें कुछ हेल्प रिलीफ दे सकती है इन फाइटिंग कोरोना. देन लाइट्स ऑफ इवेंट विल नॉट हार्म द ग्रिड, ये क्लैरिफिकेशन है यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने दिया है. फेमिश्ड स्टार्विंग हेरॉन्स, ये हार्ड समर है. और दिस इज ग्राउंडिंग ऑफ प्लेन अफेक्ट्स IMD's वेदर डेटा सप्लाई, बिकॉज डेटा नहीं आ रहा है, प्लेन हवा में नहीं जा रहे हैं तो वो डेटा कलेक्ट करके ला नहीं रहे मेट्रोलॉजी एंड ऑल. देन भीलवाड़ा, ये काफ़ी अच्छा इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया यहाँ के लोगों और एडमिनिस्ट्रेशन ने. ऑल डाउन कर्फ्यू है बट अंटिल नाउ दे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इन्होंने केसेस को काफ़ी कंटेन कर रखा है. वी कुड लर्न अ लॉट मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस भीलवाड़ा केस स्टडी. देन कम्युनिटी किचन फॉर पुअर, देन दिस इज ऑन्कोलॉजिस्ट ट्वीक कैंसर ट्रीटमेंट, ये रेडी फॉर एक्शन है, इनका प्रोटेक्टिव गेयर्स हैं ये. देन प्राइम मिनिस्टर चेयर्स मीट ऑन कोविड 19 रेडीनेस, ये डेमोग्राफी चार्ट दिया हुआ है 21, 40, 41, 60, 60+. सो दिस इज टूडेज न्यूज़पेपर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर एंड बी सेफ.